उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव करने वालों के खिलाफ योगी सरकार फुल एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के 57 आरोपियों के नाम और पते के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं। हजरतगंज अटल चौक के साथ अन्य इलाकों में लगाए गए इस पोस्टर में उपद्रवियों से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर पेनल्टी जमा करने के लिए कहा गया है। आरोपियों को पैसे जमा कराने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इन लोगों को कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर भुगतान न होने पर आरोपियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। लखनऊ में 19 और 20 दिसंबर को सीएए विरोध की आड़ में दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश के अनुसार जांच में 57 लोग दोषी पाए गए। सभी दोषियों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा के दौरान 1,55,00,000 रुपए के नुकसान की वसूली होनी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की पहचान कर ली गई है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ जिलाधिकारी के अनुसार शहर के ठाकुरगंज और केसरबाग इलाके में हुई हिंसा के मामले में आरोपी दंगाइयों के खिलाफ वसूली का आदेश पहले ही शहर की एक अदालत से जारी किया जा चुका है। जी न्यूज के अनुसार बताया जा रहा है कि पोस्टर में कई बड़े लोगों के नाम भी शामिल है। पूर्व आईपीएस अफसर एसआर दारापुरी, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक मिश्रा, कांग्रेस की सदफ जाफर के साथ मौलाना सैफ अब्बास का नाम भी इस हिंसा करने वालों की लिस्ट में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएए विरोधी हिंसा के बाद कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनकी संपत्ति सीज किया जाएगा और उनसे हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर योगी सरकार 2 children पॉलिसी के लिए काफी गंभीर दिख रही है और जल्द ही इसे लेकर राज्य सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। इस दिशा में योगी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। माना जा रहा है कि इस नए जनसंख्या नियंत्रण नीति के तहत उत्तर प्रदेश में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो राज्य सरकार की किसी भी कल्याण योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे और न ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। योगी आदित्यनाथ के इन फैसलों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।